14 फरवरी 1990 को नासा का एक स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 अपने कैमरास को हमेशा के लिए बंद करने के 34 मिनट पहले कुछ इमेजेस को अर्थ पर सेंड करता है और ये इमेजेस देखने के बाद सभी साइंटिस्ट दंग रह जाते हैं, जिनमें से उन इमेजेस में से एक थी ये इमेज। और जो ये आप छोटा सा ब्लू डॉट इस इमेज में देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे अर्थ की ही इमेज है। और ये हमारे अर्थ की अब तक की सबसे दूर से ली गई इमेज थी और हमारी दुनिया में जो कुछ भी है सभी कुछ इस छोटे से डॉट के अंदर ही है, जिसे वॉयेजर 1 ने अर्थ से 600 करोड़ दूर से क्लिक किया था। तो आखिरकार इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष के और कौन कौन से रहस्यों से पर्दा उठाया, जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आज से लगभग 60-70 साल पहले नासा के कुछ साइंटिस्ट को ये पता चला कि हमारी गैलेक्सी के सारे प्लैनेट हर 175 साल में एक बार एक ही लाइन में अलाइन होते हैं, जिसके बाद नासा ने इस रेयर फेनोमेना पर रिसर्च करने के लिए साल 1972 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम के दो स्पेसक्राफ्ट पर काम करना शुरू किया और फाइनली जाकर 20 अगस्त 1977 में वॉयेजर 2 को पहले और वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 में लॉन्च किया। और शुरुआत में इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि इन अलाइंड प्लैनेट पर स्टडी करी जा सके, जिसमें से वॉयेजर 1 सिर्फ जुपिटर और सैटर्न पर डिटेल स्टडी और रिसर्च करता और वहीं वॉयेजर 2 को जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेप्ट्यून पर ओवरऑल स्टडी करनी थी। और भले ही ये स्पेसक्राफ्ट 70s के पीरियड में लॉन्च हुए थे, पर फिर भी इसमें इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी अपने वक्त से कहीं ज्यादा एडवांस थी। इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में दो विडिकॉन कैमरा लगाए गए थे। ये वही कैमरा है जिसे मरीनर फ्लाइट में और तो और टेलीविजन इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक कैमरा में वाइड एंगल लेंस लगाया गया था जिससे ये कैमरास प्लैनेट की फुल साइज यानी पूरी इमेजेस कैप्चर कर सके, और दूसरे कैमरा में नैरो एंगल लेंस लगाया गया था ताकि वो प्लैनेट्स की डिटेल इमेज कैप्चर कर सके। इसके अलावा भी इन स्पेसक्राफ्ट में अल्ट्रा वायलेट फिल्टर्स, चार्ज पार्टिकल सेंसर्स, प्लाज्मा डिटेक्टर्स, मैग्नेटोमीटर बूम और कॉस्मिक रे जैसे इक्विपमेंट भी लगे थे, जिसकी मदद से ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में मौजूद इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमारी अर्थ तक भेजता था, जिसके बाद इससे भेजा गया सिग्नल अर्थ पर मौजूद बड़े बड़े एंटेनास पर रिसीव होता था। नासा ने इन वॉयेजर के सिग्नल को रिसीव करने के लिए इन एंटेनास को USA, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर लगाया था, और जैसे ही इन वॉयेजर्स ने इन प्लैनेट्स की इमेजेस को अर्थ तक भेजना शुरू किया तो सभी साइंटिस्ट इन इमेजेस को देखकर काफी हैरान हो गए, क्योंकि इन वॉयेजर से क्लिक करी गई ये इमेजेस अब तक किसी भी प्लैनेट की ली गई सबसे बेटर इमेजेस में से एक थी। और जिसके बाद इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट ने अपने लॉन्च के बाद एक से बढ़कर एक डिस्कवरीज करी, जैसे कि 5 मार्च 1979 में ये वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास से गुजरा, जहां पर उसने ये डिस्कवर किया कि जुपिटर के पास भी सैटर्न की तरह ही एक थिन रिंग है। इससे पहले साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि जुपिटर के पास भी एक रिंग मौजूद है। और तो और इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर पर दो और थेबे और मेटिस नाम के मून्स की भी डिस्कवरी करी, जिसके बाद वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में अपने मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए 12 नवंबर 1980 को सैटर्न के पास से फ्लाईबाय करता है, जहां पर स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न पर 5 और नए मून डिस्कवर किए और साथ ही सैटर्न पर एक और नई रिंग को भी खोज निकाला, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया जी रिंग। वहीं दूसरी तरफ वॉयेजर 2 9 जुलाई 1979 को जुपिटर के पास से फ्लाईबाय करता है, जहां पर उसने जुपिटर पर एक 14th मून भी डिस्कवर किया। इसके बाद ये वॉयेजर 2 26 अगस्त 1981 को सैटर्न के पास से भी फ्लाईबाय करता है, और तो और ये वॉयेजर 2 24 जनवरी 1986 में पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन गया जो यूरेनस के पास से फ्लाईबाय करके गुजरा, और यूरेनस पर स्पेसक्राफ्ट ने 10 नए मून्स और 2 न्यू रिंग की भी डिस्कवरी करी। वहीं अपने मिशन को और आगे बढ़ाते हुए 25 अगस्त 1989 में ये स्पेसक्राफ्ट नेप्ट्यून के पास से फ्लाईबाय करता है, जहां पर इसने नेप्ट्यून पर 5 नए मून, 4 रिंग्स और एक ग्रेट डार्क स्पॉट डिस्कवर किया। ये ग्रेट डार्क स्पॉट एक्चुअली में एक तूफान है जो नेप्ट्यून के सदर्न पार्ट पर चल रहा है, जहां पर इस स्टॉर्म की स्पीड तकरीबन 1500 माइल पर आर की है, और नेप्ट्यून पे चल रहा ये तूफान अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड तूफान है हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट पर। इसके अलावा इन वॉयेजर्स ने इसी तरह जुपिटर पे भी एक ग्रेट रेड स्पॉट की डिस्कवरी करी थी, और ये रेड स्पॉट भी जुपिटर पर चल रहा एक साइक्लोन है। और तो और इससे पहले साइंटिस्ट ने ये सोचा था कि इन
प्लैनेट्स पर मौजूद मून्स भी हमारे अर्थ के मून की तरह ही बेजान हैं। पर इन वॉयजर्स की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट को ये पता लगा कि जिन प्लैनेट्स पर ये डिस्कवरी करने गए हैं उन प्लैनेट्स के मून एक्चुअली में एक्टिव हैं, जैसे कि जुपिटर के मून आयो पर एक्टिव वॉल्केनोस थे और दूसरे मून यूरोपा पर इस स्पेसक्राफ्ट ने जमी हुई आइस यानी पानी की डिस्कवरी करी थी। यानी कि जिस मिशन के लिए नासा ने इन स्पेसक्राफ्ट को भेजा था उन मिशंस के लिए ये दोनों स्पेसक्राफ्ट खरे उतरे थे। लेकिन इन मिशन के पूरा होने के बावजूद भी नासा यहीं पर नहीं रुका, बल्कि नासा ने इन वॉयजर स्पेसक्राफ्ट को एक और बड़े मिशन पर भेजने का फैसला किया। भले ही स्पेसक्राफ्ट को नासा ने सिर्फ 5 साल चलने के लिए ही बनाया था, पर इन दूसरे मिशन में इन स्पेसक्राफ्ट को कई और दशक आगे चलना था। जी हाँ, ये मिशन था एक्चुअली में इंटरस्टेलर मिशन। इंटरस्टेलर मिशन में इन स्पेसक्राफ्ट को एक्चुअली में इंटरस्टेलर स्पेस में जाना था। इंटरस्टेलर स्पेस और कुछ नहीं बल्कि दो स्टार्स के बीच की जगह को बोलते हैं, और सिंपल वर्ड्स में समझें तो दो गैलेक्सीज के बीच की जगह को। जिस तरह हमारे सन भी एक स्टार है, उसी तरह किसी दूसरे सोलर सिस्टम के किसी सन के बीच की जगह इंटरस्टेलर स्पेस बोला जाता है। और अपने इंटरस्टेलर मिशन के स्टार्ट होने के बाद वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने अपनी ये लास्ट इमेज सेंड करी थी, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी, जो अब तक की अर्थ की ली गई सबसे दूर की इमेज थी। जिसके बाद नासा ने इन स्पेसक्राफ्ट की एनर्जी बचाने के लिए इनके कैमरास को हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि इन स्पेसक्राफ्ट के कैमरास ही अकेले 42 वॉट्स बिजली कंज्यूम करते थे और इन स्पेसक्राफ्ट की टोटल कैपेसिटी सिर्फ 470 वॉट्स की हुआ करती थी जब ये लॉन्च हुए थे। और क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट प्लूटोनियम 238 के न्यूक्लियर रिएक्शन से अपनी एनर्जी हासिल करता है, इसलिए प्लूटोनियम के हर साल डीके होने की वजह से इसकी टोटल कैपेसिटी 470 वॉट्स से सिर्फ 249 वॉट्स ही रह गई है। और जिसके बाद जाकर इन वॉयजर स्पेसक्राफ्ट ने अपना सफर इंटरस्टेलर मिशन के लिए शुरू कर दिया। और तकरीबन 35 साल के लंबे सफर के बाद वॉयजर 1 25 अगस्त 2012 को इंटरस्टेलर स्पेस एंटर करता है। वहीं दूसरी तरफ इसके 6 साल बाद 5 नवंबर 2018 को वॉयजर 2 भी इस इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री ले लेता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज 46 साल बाद भी ये दोनों वॉयजर स्पेसक्राफ्ट अभी भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, और ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ से इस टाइम पर 23 बिलियन किलोमीटर दूर है और ये कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स के बारे में अपनी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आगे चलते जा रहे हैं। और नासा के एक डेटा के हिसाब से आखिरकार जाकर साल 2025 में वॉयजर 1 का प्लूटोनियम 238 पूरी तरह से डिके हो जाएगा और स्पेसक्राफ्ट की इलेक्ट्रिक पावर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये स्पेसक्राफ्ट कई सदियों तक स्पेस में यूं ही उड़ता रहेगा। लेकिन क्या पता कभी इन स्पेसक्राफ्ट का एनकाउंटर किसी एलियन स्पीशीज से हो जाए। उसके लिए भी नासा ने इन दोनों वॉयजर्स पर एक गोल्डन रिकॉर्ड रखा है, जहां पर इस गोल्डन रिकॉर्ड में नासा ने एलियन स्पीशीज के लिए कुछ मैसेज रिकॉर्ड करके रखे हैं, और इस मैसेज को अर्थ पर मौजूद 155 अलग अलग लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें इंडिया की भी लैंग्वेज शामिल है। और इसके अलावा भी इस रिकॉर्ड में 1977 के टाइम के कई सॉन्ग भी डाले गए हैं, जिसमें से इंडिया का ये सॉन्ग भी शामिल है। अब क्या पता कभी एलियन इन गानों को सुनकर हमारी अर्थ पर स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन लेने आ जाए। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि ये वॉयजर स्पेसक्राफ्ट कभी किसी एलियन स्पीशीज से मिल पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।